पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है 9 मई के बाद, वैसे तो पूरी कौम यकजुबान है कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है, पूरी पूरी कैंपेन्स की जा रही हैं। लेकिन 9 मई को जो वाकया हुआ शरपसंदी का, और जो शरपसंद अनासर एकदम से कोर कमांडर हाउसेस में घुस गए और उन्होंने सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन अब उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है और उन्हें करार वाकई सजा मिलेगी। इन तमाम लोगों के केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में अब जाएंगे। अभी शनाख्त का अमल जारी है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन तक पहुंचा जा रहा है और ऑपरेशन भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जमान पार्क में भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनको वहां से गिरफ्तार किया जाएगा एक ऑपरेशन के जरिए। बट द क्वेश्चन इज कि हमने इंटरनेशनली क्या पैगाम दिया है और इस तमाम चीज को इंडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो पहले बिके हुए हैं, उनके तो सारा यूट्यूब और उनका सारा मीडिया चलता ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बोल के है, और हम लोगों ने खुद मौका दे दिया कि आ बैल मुझे मार, कि हमने उन्हें मौका दे दिया कि हाँ भाई आए मनोरंजन के लिए, हमने सब कुछ किया है और आप लोग जो है वो अपने व्यूज के लिए या अपनी रेटिंग्स के लिए, टीआरपीस के लिए पाकिस्तानी जो हर्जा सराई है उसका मंजन बेचे और फिर टॉप में जाए। तो जैसे गुरु आर्या और इसके अलावा और दीगर, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगी, जो बकवास वो करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें वो इन लोगों ने, वो तमाम लोग जो कि इनके लिए शहीद हुए थे और इन्होंने खुद किया है, पाकिस्तानी कौम को आर्मी से नफरत है, वो उनके मुजस्मे जला रही है, कोर कमांडर हाउसेस पे दावा बोल दिया है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया है कोर कमांडर हाउसेस ने, पता नहीं किस किस किस्म की बकवास कर रहे हैं वो। पहले ये बताएं, आप लोग कभी पाकिस्तान आए हैं? आप लोगों को पाकिस्तान कभी आकर देखा भी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी निज़ाम किस तरह चलता है? पाकिस्तानी अवाम से आपने पूछा भी है कि वो पाक फौज से मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है? और ये जो नफरत वाले अनासर हैं ये किसी एजेंडे पर थे, हो सकता है आप लोगों के ही आए हों, रॉ के एजेंट्स भी तो यहाँ पर काम करते हैं, आप लोगों की फंडेड यहाँ पर तंजीमें चलती हैं, हो सकता है आप लोगों ने शरपसंदी के लोगों को अंदर भेजा हो, आप लोग खुद इसमें मुलव्वस हो। तो इतनी बकवास करने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं है, जो आप लोग फजूल बकवास कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी से बड़ी नाला है, नाराज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पार्टी का आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी में इमरान खान खुद कह चुके हैं, उनके तमाम पार्टी के बंदे कह चुके हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो आप लोगों को जो एक मौका मिल गया ना कि देखिए आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान, इस आर्मी से आप लोग डरते हैं, डर की वजह से आप लोग जो है ना पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो उसके अवाम जो है उसके खिलाफ हो चुकी है। ये इसी आर्मी ने आपको डंडा दिया हुआ है, इसी आर्मी से आप लोग डरते हैं, आप लोग खुल के बात नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है इतना छोटा सा मुल्क है ना पाकिस्तान, इतना छोटा सा मुल्क है और इंडिया उसके मुकाबले में इतना बड़ा है आबादी के लिहाज से भी, वसाइल के लिहाज से भी, लेकिन आपको जो डंडा दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है पाक फौज ने, उसकी वजह से आप लोग डरते हैं। आप लोग जो है ना वो कहते हैं कि कहीं पाक आर्मी जो है वो हमारे पे हमला ना करते, अटैक ना करते, आप मुकाबला नहीं कर सकते। कुलभूषण आपका हमारे पास है, वो टी वॉज फंटेस्टिक, वो भी आप लोगों का यहाँ से सैर करके चला गया, चाय पी के चला गया। तो आप लोगों को जो इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है ना, जो आग मची हुई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, आप लोग आए यहाँ पर, थोड़ा दिल बड़ा करें, हम लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, हमारा आप लोग यहाँ पर मेहमान नवाजी देखने के लिए आए, चाय पिए, लोगों से बात करें, आप लोग को पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आप लोगों को इतनी चुल मची हुई है ना, वो आप लोगों की ठंडी हो जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाक फौज के खिलाफ इतना जहर उगलना पूरी दुनिया में ज़रूरी नहीं है। अपने घर की फिक्र करें, ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं।